व्यक्ति को दूसरे के जीवन से एक धेले का लेना देना नहीं होना चाहिए, यह स्वर्ग है। जब भी दो लोगों में झंझट है, पति है पत्नी है, भाई है बहन है, सिर्फ इसलिए कि तेरी लाइफ में मुझे भी लेना देना है। जिस समय आपको मेरी लाइफ से एक धेले का लेना देना नहीं होगा, आप स्वर्गीय स्वर्ग नोच लोगे। आपको जैसे ही किसी की भी लाइफ से लेना देना होता है, आप नर्क ही नर्क नोच लोगे। आपकी खुद की लाइफ में इतना मलमूत्र होगा, इतने से मलमूत्र से इतनी बदबू इतनी गंदगी आती है कि इतने सुंदर भोजन से भी नहीं। एक बहुत सुंदर खुशबू वाले बगीचे में जरा सी गंदगी बदबू रख दीजिए, वो पूरे को नष्ट कर देती है। एक कांटा चुभता है उंगली में और एक पूरा शरीर खराब हो जाता है। इसलिए जीवन में मतलब ही अपने से रखो। मैंने हमेशा से कहा है, खुद पे काम करो। ऐसी की तैसी में गया सारा दूसरा व्यक्ति। एक दिन गुरु ने भी लात मार देनी होती है। जो चिपट के रखता है उसे कुछ चाहिए होता है। इसलिए बच्चों को भी लात मार दो, पति को भी, पत्नी को भी, भाई को, बहन को, अपने पे काम करो। अकेले मरना है, कोई पड़ोसी साथ नहीं मरेगा। जब हम मरेंगे तो मरने की दृष्टि को समझेंगे तो मृत्यु है ही नहीं, हम सिर्फ शरीर छोड़ देंगे। हमने घर बदल दिया, वो संसारिक था, भौतिक, अभौतिक, यानी जो भौतिक रूप में नहीं है, एनर्जी रूप में। जब हम उस घर को छोड़ते हैं, वो ये शरीर है। ऐसे ही मेरा भाई छोड़ता है, पत्नी छोड़ती है, चीजें छूटती हैं। जिस समय आपने जान लिया कि आप स्वयं क्या है, आप दूसरे के लफड़े से आउट। जीवन में सुख क्या है? दुखी ना होना। साला दुखी नहीं होंगे, जो हो रहा होने तो ऐसी कितनी दुखी होंगे। आधे से ज्यादा मेरे पास बड़ी उम्र के लोग आते हैं जिनको ज्यादा कल होनी चाहिए बच्चों से, इस चीज से दुखी है कि हाय मेरा बच्चा दुखी है। अम्मा यार उसे ट्रेंड होने दो, बुद्ध बनेगा। पिटेगा तो बुद्ध बनेगा, नहीं पिटेगा तो क्या बनेगा? लल्लू। इसलिए पिटने दो। जितना ज्यादा मनुष्य पिटता है उतना सीखता है। बिना पिटे कुछ ना बदला। ये कंप्यूटर बना कहां से? बना धरती को पीट पीट के बनाया गया। मोबाइल फोन पीट पीट के बनाया गया। कार बनी, सोने के आभूषण बने पीट के। इसलिए पिटाई को सलाम करो, इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। बड़े नसीब वाले होते हैं जिनके जीवन में पिटाई होती है, क्योंकि उनको बुद्ध बनाने में लगे हुए गुरु कि साले तुझे पीट पीट गए और समझदार बना देंगे। दुनिया में सिर्फ ज्यूज इसराइल में रहने वाले सबसे ज्यादा ज्ञानी है। पूरे अमेरिका को ज्यूज चला रहे हैं, और वो सिर्फ इसलिए चला रहे हैं, 1 करोड़ से कम है वो लोग। 97 लाख के आसपास ज्यूज है, इसराइल की मान्यता प्राप्त होती है दुनिया में कहीं भी ज्यू रहे। और वो दुनिया के सबसे ज्यादा अमीर लोग हैं, सबसे ज्यादा ताकतवर वेपनरी उनके पास है। तो इसराइल के लोगों की सारी दुनिया में इतनी ज्यादा ताकत क्यों है? क्योंकि उनका दिमाग बहुत ज्यादा पावरफुल हुआ है। और इसराइली ज्यूज ने दुनिया में सबसे ज्यादा कष्ट सहाय एज पर बुक्स, जो इतिहास गवाह है। इसराइल के ज्यूज को पकड़ पकड़ के मार मार के हिटलर ने उनको खुदा बना दिया। वो इतने ज्यादा इंटेलिजेंट बने क्योंकि जितनी ज्यादा परिस्थिति कष्ट की हुई उतना ज्यादा ब्रेन को शांत करना सीखा, उतना ज्यादा ब्रेन के सेल्स दोबारा जीवित हुए, नए कनेक्शन जुड़े। जो हड्डी टूटती है वो जब जुड़ती है तो पहले से ज्यादा मजबूत होती है। इसलिए जो व्यक्ति तो शांत करना सीख गया कि मैंने अब दूसरे की लाइफ में पिंग पोंग नहीं करनी, वो सुखी। और जो ये लगा रहा वो दुखी। यही स्वर्ग और नरक है।